गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में बताया गया था और आज उसी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। देखिए, आपको टिश्यू पढ़ाया गया और टिश्यू के बाद टिश्यू से बने टिश्यू सिस्टम को बताया गया। प्लांट्स में तीन सिस्टम होते हैं। नंबर एक एपिडर्मल, टिश्यू सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जितने भी ऊतक होते हैं वो सब इन्हीं तीन स्तर के ऊतक तंत्रों में स्थित होते हैं। तो पहला है आपका एपिडर्मल, जो पहला है आपका वो एपिडर्मल है। तो एपिडर्मल के बारे में आपको बता दें, पहला है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें ये ये है। अभी देखिए, इस स्तर में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। जड़, तना, ये स्तर सब में, यानी जड़ में, तना में, पत्ती में, फल में, बीज में, सबका जो बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर जो है वो इन्हीं इनसे मिलकर बना होता है और ये मुख्य रूप से पैरेन्काइमा सेल्स से ये बना होता है। अब इसमें इस स्तर में कुछ छोटे छोटे से अंग भी पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है, जैसे रंग, रोम, क्यूटिकल, आदि। तो जड़ और तने की जो बाह्य स्तर में ये रसायन पाई जाती है। रंग, अब देखिए, रंग जो है, रंग का जो कार्य होता है वो गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। रोम ये अच्छा करते हैं, जल का अवशोषण भी करते हैं। क्यूटिकल भी जो है जल के ये रक्षा करती है पूरे पौधे के इन्हीं अंगों की, जड़, तना, पत्ती। तो इस तरीके से ये स्तर पूरे अन्य ऊतक तंत्रों की ये मुख्य रूप से रक्षा करता है। दूसरा है आपका ग्राउंड
टिश्यू सिस्टम। अब देखिए जो पहला स्तर था उसके नीचे ठीक जितना भी है समान ऊतक तक ये पूरा ग्राउंड टिश्यू होता है। इसमें मुख्य रूप से कार्टिलेज, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ, ये इसमें मुख्य भाग होते हैं जो भोजन का निर्माण भी करते हैं, भोजन का संचय भी होता है और ये क्रमशः पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसके बाद फिर कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ। तीसरा सिस्टम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो सिस्टम है आपका ये इस तरह मान के चलिए कि इसमें सामान भंडार आते हैं, सामान भंडार का मतलब जाइलम, फ्लोयम और इन्हीं दो के बीच में पाए जाने वाली गैंग्लिया। इस तरह से ये हो गया आपका फ्लोयम, ये हो गया आपका पैंडियम, इस तरीके से ये हो गया चाय। तो ये जड़ में और कणों में इस तरीके से होते हैं। फ्लोएम का जो काम होता है वो भोजन का सामान करना, जाइलम का जो काम होता है वो जल और खनिज का अवशोषण करना, और कैम्बियम का जो कार्य होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में द्वितीय वृद्धि में भाग लेना होता है। तो इस तरीके से ये तीनों सिस्टम होते हैं और सुचारू रूप से कार्य करते हैं।